कर्क राशि के दर्शकों, आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। और जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि नीच ग्रह भी बना देता है करोड़पति, और बिल्कुल बनाता है करोड़पति, और इस प्रकार की स्थिति में शुक्र महाराज 24 सितंबर रात 9 बजे से गोचर करेंगे और इनका यह गोचर काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाएंगे। शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के होंगे, जिस राशि में ये नीच हैं उसी राशि में बुध स्वय राशि के हैं। स्वय राशि का मतलब अपने ही घर में हैं। तो ऐसे में बुध ग्रह एक नीच भंग राजयोग बना देंगे शुक्रदेव के लिए। अब इस नीच भंग राजयोग का क्या फल आपको प्राप्त होगा, ये आज मैं आपको जानकारी में बताऊँगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, आप अंत तक सुने, काफ़ी आपको आनंद आने वाला है, लाभ मिलने वाला है। और कर्क राशि की आपसे बात करता हूँ, क्लियर कट बात करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे YouTube चैनल को, Facebook पेज को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, समय अनुसार होती रहे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कर्क राशि के दोस्तों, आपके लिए जो यह नीच भंग राजयोग बन रहा है तीसरे स्थान में, और तीसरा स्थान ज्योतिष शास्त्र में साहस पराक्रम का होता है, शौर्य का होता है, और गले का होता है, भाई बहनों का, मित्र सगे संबंधियों का होता है। और शुक्र नीच हो जाएंगे लाभेश होकर के, शुक्र नीच हो जाएंगे सुख साधन के स्वामी होकर के, दो इम्पॉर्टेंट हाउस की लॉर्डशिप लेकर के शुक्रदेव नीच हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इनका विशेष जो फल मिलेगा वो है अकस्मात धन लाभ के रूप में। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके पत्नी में बनती हुई नज़र आ रही हैं कि आप एकदम से 24 सितंबर के बाद से आपको कुछ लाभ पहुंच जाएगा, और यह स्थिति 18 अक्टूबर तक चलेगी। 18 अक्टूबर के बाद तो आपके और ज़्यादा वारे न्यारे होंगे, क्योंकि उस समय पर शुक्रदेव स्वय राशि के हो जाएंगे, और वह भी तुला के अंदर। तुला राशि में इनका स्वय राशि का होना, अपने घर में होना, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। शनिदेव का एक शश राजयोग राशि के अंदर, मकर के अंदर यहाँ पर चल रहा है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि तीन से चार चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विशेष फल आपको प्राप्त होगा। सर्वप्रथम आपको लाभ की स्थिति, फिल्म लाइन से सिंगर्स को विशेष लाभ, उन्नति के अवसर मिलेंगे, क्योंकि गले का स्थान तीसरा होता है, और अगर उस भाव में शुक्र बुध बैठ जाए तो ऐसे जातक अच्छा लाभ अर्जित कर लेते हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री से जो भी हस्तकलाकार हैं, लिखने का काम करते हैं, वो मूर्तिकार जितने भी हैं उनके लिए, मतलब एक अच्छा योग यहाँ पर बनेगा आपकी राशि के अनुसार, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और यदि सुखों से संबंधित कोई भी चीज़ आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय काफ़ी उचित दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर सूर्य का, शुक्र का, बुध का एक त्रिग्रही योग भी बनेगा, और यह त्रिग्रही योग आपको जबरदस्त अपार सफलता देगा, क्योंकि सूर्य देव के पास में धन की जिम्मेदारी है, धनेश सूर्य तीसरे स्थान में, ऐसे में यानी कि धन लाभ के अवसर बढ़ जाते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, आपके बच्चों के साथ में मतभेद बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा अलर्ट और सावधान रहने की आवश्यकता प्रतीत होती है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूर्य, ये चार ग्रह आपस में सम सप्तक योग में रहेंगे। सम सप्तक का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को देखेंगे, तो भाग्य उन्नति के विशेष मार्ग आपकी राशि में बनते हुए नजर आ रहे हैं, और पॉजिटिव एक सिनेरियो यहाँ पर बनेगा, और ये बहुत ही अच्छा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप कोई धर्म कर्म से, इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ कार्य में भी कुछ विशेष कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो वह भी आपके लिए लाभप्रद है, नुकसान वाला नहीं दिखाई पड़ता, ये कहा जा सकता है। तो ये है एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो पड़ेगा यहाँ पर कर्क राशि के सभी जातकों पर। बॉम्बे में रहूँगा मैं 24 से लेकर के और 28 तारीख तक। आप मुझे वहाँ भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानविंदर रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला, 22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899884337011805461।
नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने